हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेरेस गार्डन। एक बार फिर से वेलकम है आप लोगों का। चलिए, हार्वेस्टिंग के साथ साथ मैं कुछ अपडेट भी दिखाती हूँ अपने टेरेस गार्डन का। क्या चल रहा है मेरे टेरेस पे, मेरी तैयारी कैसी चल रही है, कौन कौन सी वेजिटेबल्स मैं लगाने वाली हूँ, आप कौन कौन सी वेजिटेबल्स लगाएं। देखिए, विंटर्स में बहुत वैरायटी होती है फ्रेंड्स वेजिटेबल्स की, तो आप जो आपको वेजिटेबल्स पसंद हो आप ग्रो कर सकते हैं। टमाटर की फ्रूटिंग काफ़ी अच्छी होती है, आप टमाटर से शुरुआत कर सकते हो। आप चेरी टमाटर लगा सकते हो और जो नॉर्मल टमाटर आता है उसको लगा सकते हो। चेरी टमाटर में भी बहुत सारी वेराइटीज़ आती हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, तुरई की हार्वेस्टिंग हुई है, लौकी की हार्वेस्टिंग हुई है आज। तो आप बैंगन लगा सकते हैं, गोभी, पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली लगा सकते हैं, गाजर लगा सकते हैं, मूली है, धनिया, पालक, मेथी, बहुत सारी वेराइटीज़ हैं विंटर्स की, तो बहुत वेराइटीज़ होती हैं। मटर है, जो जो आपको पसंद है आप सारी वेराइटीज़ लगा सकते हैं। तो मैं थोड़ा थोड़ा, मतलब जितना मुझे ज़रूरत है मैं उसके अकॉर्डिंग सारी वेजिटेबल्स ग्रो करूँगी। और मेन है कि आपके पास स्पेस कितना है। लगाने का तो मन फ्रेंड्स बहुत करता है, लेकिन आप एक सफिशियंट जो भी जगह है उसी में आपको लगाना है, जो स्पेस है आपके पास टेरेस पे उसी पे लगाना है। तो आप अपने शौक पूरे कर सकते हैं थोड़े थोड़े सब वेराइटीज़ की वेजिटेबल्स लगा के। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा एप्पल बेर, देखिए काफ़ी फ्रूटिंग हो रही है, साइज़ भी धीरे धीरे बढ़ने लगा है और नए फ्रूट्स भी बन रहे हैं। आप एप्पल बेर भी आसानी से 18 से 20 इंच के पॉट में ग्रो कर सकते हैं, ये सीज़न बेस्ट है, आप नर्सरी से ला के लगा सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये नींबू का प्लांट है, बहुत सारे इस बार नींबू लगे हुए हैं, तो आप नींबू का प्लांट भी आराम से ग्रो कर सकते हैं 24 इंच के पॉट में। अच्छी फ्रूटिंग करता है, अच्छी वैरायटीज़ की आप नींबू ला के ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए, चाइनीज़ गुआवा है ये, इसका साइज़ लेमन के बराबर होता है, छोटा छोटा होता है, बहुत बड़ा नहीं साइज़ होता है इस गुआवा का, और फ्रूटिंग बहुत करता है, तो आप इसको भी लगा सकते हैं। 24 इंच के पॉट में आप लगा सकते हैं गुआवा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा चीकू का प्लांट है, पहली बार इसमें चीकू, 3-4 चीकू मुझे दिख रहा है कि लगने वाला है, और बाकी पीछे मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, कटिंग से मैंने ड्रैगन फ्रूट्स लगाया था, सारे लग गए हैं, नई नई ब्रांचेज भी निकलने लगी हैं। ये देखिए मेरा ड्रैगन फ्रूट का जो मेन प्लांट है, इसी से मैंने कटिंग लगाया, इसमें 2 फ्रूट्स लगे हुए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा अमरूद का दूसरा प्लांट है, इसमें बहुत सारी फ्रूटिंग हुई है, ये सीडलिंग अपडेट है, देखिए साइज़ इतना बड़ा बड़ा हो गया है फ्रेंड्स। आप भी इस तरह से सीडलिंग कर सकते हैं, नहीं तो आप नर्सरी से प्लांट भी ला सकते हैं, गोभी है, टमाटर, बैंगन, मिर्ची, ये सब का प्लांट नर्सरी में आराम से मिल जाता है। ये देखिए मेरा धनिया जो मैंने लगाया था, 2-2 लीव्स के हो गए हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर आप गार्डनिंग नहीं शुरू किए हैं तो आप भी शुरू कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है गार्डनिंग करना, एक बार शुरू करके तो देखिए। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने भिंडी निकाल दी है, इधर का भी ट्रे खाली कर दिया है, तो मेरी तैयारी धीरे धीरे चल रही है, मैं अब सब प्लांट लगाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, मेरी आज की हार्वेस्टिंग है, तो आप भी गार्डनिंग शुरू करें फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू।